सुना है। हम ये नहीं जानते कि कौन गा रहा है, हमें कुछ पता नहीं है। कौमुदी, हम ये नहीं जानते कि कौन गा रहा है, हमें कुछ पता नहीं है।
जनने दिया घरे बाजा सर्व रैना दे बुलबुल लोई पुकार दौलत आली बहार दौलत सब त्याग्यो जिनके हेत वे निर्मोही ऐसे सुधुन लेत राज छोड़ बन जोगी भस्म रमाए बिरह अनल की धुनी तापताहाए
तुम कुछ पूछ रहे थे? हम जानना चाहते थे। सो जाना चाहती हूँ। हमें जानना था ये गंधर्व कौन है। सुनाने में देर लगेगी, बड़ी देर लगेगी समझाने में। कोई पहेली है? नहीं तो माँ रहने दो मुझे। सुनो अर्जुन माँ, एक सीधी और सादी कहानी है। एक पुराना खेल या कथा, ये घाट अर्जुन और घर इंद्र के नंदन वन लगते हैं। तुम हम तुम। हाथों में शंख के कंगन पहन लूंगा, कानों में सुना सर पर जुड़ा बांध लिया करूंगा। बोल प्रतिज्ञा षंड कोस्मीति करिष्यामि। कोस्मीति करिष्यामि। अप्सरा का तिरस्कार एक वर्ष नपुंसक बना देगा। भयभीत न हो, न होना ही मनोरम। नाचना बजाना श्याम, गाना कहानियां सुनाना, लेकिन ध्यान सभी स्त्री भाव से। ऐसी चोट कलेजा छिद कर रह जाए। तेरा 13वां वर्ष लगा है और ये श्राप तो मैं भी जीऊंगी। सुनो अर्जुन, ये गंधर्व तुम्हारा बनाया जादू है। आंख घटा बरसाती भीगी कारी पतरिया, चटके कुसुम चुंदरिया, पड़े दाग पैर पड़ूं, ओढ़ कंबल ले ही छिपा, खड़ी बाहर झर लागे, काजर रेख बिखर घन कारे, सावन धीरे खोल चंदना धीरे किवरे। सुनाओ हमें कमला, कहाँ शुरू हो चंद्रकांता में सिद्धि? चपला को खूबसूरत बनने की कोई जरूरत न थी। बाद में सबसे ज्यादा परेशान और बेचैन कर देने वाली चीज एक और दिखाई दी, दाहिने हाथ की कटी कलाई जिसमें एक फलादी कटार अभी तक मौजूद थी। यह कलाई किसी नाजुक और कमसिन औरत की थी। शायद कलाई कट के गिरते समय ये चूड़ियां हाथ से अलग हो जमीन पर फैल गईं। सबब इसके कि कोई पहचान ना ले उसको, अपनी सूरत बदल लेनी पड़ी। बारादरी वाले घाट की तरफ जा एक साफ जगह देख बैठ गई और बिरह गाने लगी। चपला को खूबसूरत बनने की कोई जरूरत न थी, मगर नासुक बदन आ 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
किसी को कहो अभी जाकर उसको महल की बारादरी में ले आए जिसके गाने की आवाज आ रही है। वाह क्या कहना, कौन हो? तुम्हारी सी औरत का अकेली रात ढूंढना ताज्जुब में डालता है। मैं ग्वालियर की पटलापा कथक की लड़की हूँ। चपला मेरा नाम। मेरा बाप बड़ा गवैया था। एक आदमी पर जी आ गया। बात ही बात वो मुझसे रंज होके चला गया। उसी की तलाश मारी मारी फिरती रही। लगा ला चंदा जैसे बजरिया में छिप गया। Yeah.
घबराता नहीं कोई, गलती ही तेरी कोशिश है।
सोच मत, मेरी नकल तो नहीं, बस कोई दोपहर जंगल कदम बढ़ाए जा रहा हो और घूमते उसे पत्तों की झोपड़ी नजर आ जाए, मगर पहुंचने पर मालूम हो कि उस जगह ऐसे पेड़ थे जिनकी डालियां झुककर आपस में ऐसी हो रही हो कि दूर से एक झोपड़ी मालूम दे। सुन, पेड़ों में से उसे एक चश्मा साफ पानी बहता हुआ दिखाई दे, जिसके दोनों तरफ खुशनुमा सायेदार पेड़ लगे हुए हो, जिन्होंने एक तौर से उस चश्मे को अपने साये के नीचे Oh.
पटियाला के अब्दुल अजीम खान साहब ने सारंगी बजाना छोड़ दिया। ढोडाल कपड़े में लपेट देना। सिलाई कढ़ाई चौका बासन कर तब समझ जाएगी ठुमरी। नाम पैदा करती रही पुरखी ने सौ सवा सौ साल से, अब तुझे पैदा किया है। बारह बारह तेरह तेरह बरस बोलना होगा। फिर से बोल। बुला लो हो की मेहरबान, मुझे चाहो जिस वक्त मेहरबान हो की बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त मैं गया वक्त नहीं। अखियां भई घटा बरसाती जब से शाम परदेश सितारे रोवत हैं दिन राती, काजर रेख मनहू घनकारे भ्रिकुटि बंक धनुष अनुहारे बिरहा अंधेरी में मुरी आली
बिरहा अंधेरी में मोरी आली कुछ नहीं डगर लखाती, मन पुरवैया पवन सी डोरे पिया जनु कछु पपीहा बोले। राम प्रताप वियोगिन वाला धीर धरे कहीं भांति। Oh.
तक बाना गोर दार तक बाना गोर दार तक जागो कर बल माराम बाना रोर दार तक बाना गोर दार तक जागो कर बल माराम बाना को कुंजनवन कुंजनवन में चुनी चुनी सुनी मुदिता वन सो शौक पूरे ना हो तो देने वाला क्यों पैसा देगा हार बनावा पुलवा बिनन हम जाए लेकिन शर्म लिहाज इस पेशे के साथ भी किया जाता है पुलवा बिनन छूट का है या सच बच्चे की जान लेकर कैसे धमकी दे रहे हैं बुढ़ापे की सफेद लाज बचाइए जबान बंद कर हरगिज नहीं गुलाम खाना नहीं है खबरदार सिद्धि तेरी ये मजाल ऐसा इरादा भी कैसे कर लिया तूने इसी वक्त यहां से चले जाने के और कुछ मुनासिब ना होगा तुम्हारा ये सोचना भी ठीक नहीं कि जिस राह पर मैं आती जाती हूं उसी राह पर तुम भी चलोगी Thank you.
हमारे भावना क्या, हमारे कुछ खुद ही हम नहीं समझते कि कौन सा भावना है, हम नहीं समझते इस बात को, हमारे गुरु की दया है। तो अगर 2 रुपया हमने कमाया है तो 1 रुपया गुरु के पास पहले पहुंचा देते थे। हमारे गुरु मर गए मगर गुरु आयन की सेवा हमने 13 साल तक किया। उनके उन्होंने ये समझा कि ऐसे भाई भतीजे थे लेकिन उन्होंने हमको अपना बेटा माना। वो भावना कल्पना बेटा खालिद सिंह नहीं हो सकते। जो हमारी भावना हम उस बात को कहते हैं हमारा दिल भर जाता है। में हाथी का रूप धर लिया और उसी के पीछे हाथ में बंदूक लिए एक सिपाही दिखाई दिया, लेकिन अपनी बंदूक छोड़ते छोड़ते खुद ही धुआं होकर फैल गया। क्या देख रही है आसमान की तरफ सिद्धि? शाम रंग बादल ऊपर उठ रहे हैं किसी पहाड़ से बंधे। मन पवन हम झूले तुम झुलाओ, तुम झूलो हम झुलाए, तारे साथ कदम लचकाए, हिल मिल गई परम नींद जाग, चढ़ अटरिया सो सुख से जरिया। Yeah.
झूला में झूला डलवाते थे और राजा मुंशी माधवलाल के यहाँ पड़ा हुआ था और उन्हीं का ये कलेजा था जो इतना पैसा खर्च करके हर एक गाने वाली अश्वेत जड्डन थी, अक्षिकुर बाई थी, कृष्णा बाई थी, विद्याधरी बाई, राजेश्वरी बाई थी, राजू मासी थी। हमारे झूले में ये होता था कि बैठ करके लोग गाते थे, एक कजरी शुरू हो गई तो एक वैरायटी तुम्हारी बन गई है, कुल्की बन गई है, कोई टांग कर रहा है तो कोई बोल कह रहा है, तो ऐसे ऐसे चलते थे। अब शुरू हो गए तक पाका नैना डोर दार, तक बाका नैना कोर दार, सखी जादू कर बल मायरा जाका नैना को। ये तरीके की चीज अब शुरू हो गए, उस पर कोई झूल भी रहा है, कोई गा भी रहा है, झूले ही पर से गा रहे हैं। एक रंग की साड़ी सबकी, सावनी रंग की धोती, सब एक रंग यहाँ से वहाँ तक। बिस्मिल्लाह के मामा को भी साफा दिया उन्होंने, संगत बजाते थे बराबर। वजीर जान करनालपथ की बोल बन गई, चुकरबाई की आवाज लगी तो एक अलग ही हिसाब से लगा। जवाहिर बाई के अपने छोटे से, शुक्र बाई ऐसी गाती जैसे लाट बंध गया स्वर का, हाँ बड़े जोरों में, बहुत अच्छा।
बड़ी मोटी भाई थी। उस वक्त इन लोगों के उमरिया में वो कमसिल थी, लेकिन ये लोग सब लोग बैठ करके हुस्ना बाई का क्या कहना सामान में होता था। हम तो बिल्कुल बच्चे थे। Oh,
सवा सौ वर्ष पहले पुरखियों में रतिबाई ने नाम कमाया, फिर उनकी गद्दी मैनाबाई ने संभाली। मैनाबाई की पुत्री राजेश्वरी देवी हमारी माता की छोटी बहन थी। माता ने अल्पायु पाई। पुराने महफिल और नई सभा में फर्क है। अब संगीत का प्रचार बहुत हो गया, पर पहले सुनने वाले कुछ और ही थे। अब माइक्रोफोन में गाने वाले जो पुराने ढंग से गाएं, तो उनके कलेजे फट जाएं। आजकल की गायकी में आलापचारिक कम, ताने ज्यादा है। फलक के तारे तोड़ने के लिए गले दौड़ाते हैं, बस कम हो गए। जिसने हिंदुस्तान भर के रजवाड़े देखे, महफिलें देखी, चरण शौकत पाई, मेरे लिए तो माता है। मेरी मौसी राजेश्वरी देवी बात की बात मुझसे तन गई। बिल्कुल बेआसरा घर से निकलना पड़ा। तन पर जो कपड़े थे बस वही। एक महफिल से बुलावा आया तो जाऊं कैसे, मैं इन्हीं के पास गई। ये बोली मैं तो हूं। अब एक काई भरे पोखर, पत्थर की कमजोर सीढ़ियां, सहारे लगे लोहे की छड़े, गिरी मुड़ी तुरी लटक रही है। एक छोटा दालान, भीतर एक कोठी, चूल्हा रसोई का सामान। गंधर्व सनातनी थे, हम लोग शाकवश में तुलुक आए। गंधर्व कुल में गंधर्व ब्याह होता था। जहां तक हो सकी एक आदमी के साथ वक्त गुजारना अच्छा मानते थे। इतने में दुनिया समाई है, ढूंढेंगे तो चोशिंदा भी मिल जाएगा। गवई के कच्चे रास्ते में टूटी मैया आपके लायक नहीं है। क्या खातिर करूं, मैं तो अब सब कुछ छोड़कर यहां पड़ी हूं। उम्र भर दुनिया को रिझाया, अब तो अक्षर रिझाने में लगी हूं। हमारा जमाना तो अब ढूंढे नहीं मिलता। गौहर जान, मनिया, बचुआ, अच्छन बाई, हमारी सहेलियां सब चली गईं। जमाना चला गया। सुनीर उस्ताद पहले की गायकी थोड़ी सी थी, मगर उसमें चोट थी। अब तो रात भर गाए बजाए झमेला ही झमेला, असर नहीं। एक बालक दो तीन रोज के लिए बाहर ले गया है। पहले बनारस में था उस्ताद लोगों की 12-13 बरस तालीम चलती थी। कौन उस्ताद है जो एक बार कलेजा छिद के रह जाए। Namaste.
Yeah.
Bye.